आदाब नाजरीन, मैं जसवीन कौर एक बार फिर आपकी खिदमत में जेके प्रेस मीडिया से खबरों की तफसीलात लेके हाजिर। आप देख रहे हैं इस समय जेके प्रेस मीडिया और ये हैं आज शाम की सुर्खियां। देवेंद्र राणा, सुरजीत सिलाठिया ने छोड़ा एनसी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिसर्स ने अख्तर रसूल के निधन पर जाके शोक व्यक्त किया। मशहूर ग्राफिक डिजाइनर अख्तर रसूल की संदिग्ध कार्डिक अरेस्ट से हुई मौत। कश्मीर में माइनॉरिटी एम्प्लॉइज को नागरिक हत्याओं के बाद कोई छुट्टी नहीं दी गई, जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया। उधमपुर में अलग अलग सड़क हादसों में सोपुर के ट्रक चालक समेत दो की हुई मौत और 9 लोग हुए घायल। ताजा नागरिक हत्याओं के बीच NIA ने कश्मीर भर में 16 स्थानों पर छापेमारी की। भारत ने 18,166 नए कोविड मामले दर्ज किए, जिनमें 214 हुई है ताजा मौतें। जम्मू कश्मीर में 25% क्षमता के साथ खोले जाएंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। DSP प्रियंका ने कहा, खुद के संघर्ष से मिला दूसरों की मदद करने का जज्बा, जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सलाह देकर कर रही है मदद। रजनी पाटिल के आरोप, जम्मू कश्मीर में लोगों की सुरक्षा करने में विफल है केंद्र सरकार। रामबन जिला में सरकारी स्कूल सहित 3 जगहों पर लगी आग, स्कूल का रिकॉर्ड है सुरक्षित। कुद में डीजल से लदा टैंकर के कैबिन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते में 100% टीकाकरण का लक्ष्य बनाया गया है। शुपया और पुलवामा जिला में पशुपालन और मछली पालन की अपार संभावना। पुलवामा में प्रदेश का पहला रेनबो ट्रॉट मछली पालन केंद्र शुरू, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने किया उसका उद्घाटन। ये थी हमारी आज शाम की खबरों की तफसीलात। आप जुड़े रहिए जेके प्रेस।